नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुबह उठकर करें ये पांच काम, धन के साथ विद्या में भी होगी वृद्धि, मिलेगी तरक्की। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां समय से आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देवियों को करे नमन। दिन की शुरुआत अपने इष्ट को नमन करने से करना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें, दोनों हाथों को देखते हुए बोले, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। अब दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर फेर लें। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी संग ब्रह्मा जी और देवी सरस्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है सूर्य को अर्घ्य। प्रतिदिन स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल और लाल चंदन रोड़ी डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। रोजाना यह कार्य करने से यश, कीर्ति, धन और बल में बढ़ोतरी होती है। ध्यान रखें कि सूर्य उदय होने के एक घंटे के अंदर अर्घ्य देना चाहिए, तभी फल मिलता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है तुलसी को जल चढ़ाना। रोजाना सुबह तुलसी में जल चढ़ाने से लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। मान्यता है कि इससे घर की बरकत बनी रहती है। पैसों के लिए किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वह है माता पिता को करें प्रणाम। माता पिता का दर्जा ईश्वर के समान माना गया है। जो लोग सुबह उठकर रोजाना अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद देते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी खुद चली आती हैं। ऐसे घर में कभी धन धान की कमी नहीं रहती, तरक्की के मार्ग खुलते जाते हैं। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है वह है घर में छिड़के तुलसी जल। घर में आए दिन झगड़े होते हों, किसी कार्य को ले करने से पहले ही उसमें बाधा आ जाए तो तांबे के लोटे में जल ले और उसमें तुलसी पूजा के बाद कुछ पत्तियां डाल दें। थोड़ी देर बाद उस जल को घर के सभी कोनों और मुख्य द्वार पर छिड़क दें। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और समृद्धि का आवास होता है, धन आगमन के भी योग बनते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी? अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।